हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है रिकू भाई यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसे हम लोगों के व्हाट्सएप पे अगर कोई भी यूट्यूब का लिंक आता है तो जब हम लोग उसको खोलते हैं तो वो फिर जो ही क्लिक करते हैं लिंक पे तो वो फिर चला जाता है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाके खुलता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊँगा जिससे आपका व्हाट्सएप पे जो YouTube का लिंक आएगा तो WhatsApp के ऊपर ही खुल जाएगा। जैसे कि अभी मैं एक दिखाता हूँ आपको कि जैसे अभी सिंपल में जैसे मेरा मोबाइल पे कोई YouTube का लिंक आया हुआ है। मान लीजिए ये एक वीडियो है, एक्सप्लेनेशन ऑन नीरव मोदी ऑन PNB स्कैम। तो इस पे जैसे क्लिक किया हमने तो ये देखिए YouTube पे चला गया और यूट्यूब पर जाके ये वीडियो ओपन हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिकू भाई यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोग इसे मैं आपको चाहता हूँ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि यहीं पे क्लिक करूँ इस पे और ये इसी विंडो पे खुले। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके हम लोग लिखेंगे फ्लोटिंग ट्यूब लिखेंगे और ये देखिए ये जो ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये फ्लोटिंग ट्यूब लिखने के बाद इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे। 3.7 MB का ही है मात्र, तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको करीबन 100,000 लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और 4.0 की रेटिंग भी है। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, होने वाला है। मैंने बीच में एक बार बंद कर दिया जिस वजह से कि ये फिर से इंस्टॉल हुआ। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है तो बाहर निकल जाते हैं हम लोग। अभी देखिए ये यहाँ आ चुका है फ्लोटिंग ट्यूब्स ट्यूब नाम से। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब बगल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग आएगा। ये जैसा है वैसा ही आप रहने देंगे, कुछ भी इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और फिर आप आ जाइए अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग में जब आप आएंगे तो ऐप्स करके होगा। यहाँ देखिए यहाँ है ऐप्स, तो मैं ऐप्स में जाऊँगा। ऐप्स में फ्लोटिंग ट्यूब को मुझे खोजना होगा। यहाँ देखिए यहाँ आ गया फ्लोटिंग ट्यूब, इसे मैं ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद इसमें यहाँ देखिए सेट एज डिफ़ॉल्ट जो है, किसी ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना है, सिर्फ सेट एज डिफ़ॉल्ट जो है इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और गो टू सपोर्टेड URL, ये जो है ये ऑलवेज आस्क है, इस पे क्लिक कीजिए और इन दिस ऐप ये कर दीजिए। गो टू सपोर्टेड URL पे जाके इन दिस ऐप को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर बाहर निकल जाइए, फिर बंद कर दीजिए। अब देखिए, अब आप जब देखेंगे अपने WhatsApp पे जाके, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ये खोल के, तो आप हम लोग चले जा रहे थे YouTube पे और वहाँ पे ये वीडियो खुल रहा था। अब जैसे मैं ये खोलूँगा तो देखिए ये पूछेगा कि आपको किस पे खोलना है। तो इसमें न्यू पाइप पॉपअप मोड ये आपको सेलेक्ट करना है। न्यू पाइप पॉपअप मोड ये सेलेक्ट कीजिए और देखिए ये वीडियो आपका यहीं पे खुल जाएगा। अभी पहली बार है इसलिए थोड़ा सा खुलने में समय ले रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिकू भाई यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन ये नीरव मोदी के बारे में जो आजकल। ये हो गया, जैसे दूसरा कोई है तो मैं इसको खोल के देखना चाहता हूँ तो ये भी इसी तरह से खुलेगा।
एक बार फिर से आपका स्वागत है रिकुभाई यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लैपटॉप से आप किस तरह से तत्काल टिकट चिन्ह पे कर दीजिए, बंद हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि अब व्हाट्सएप पे जो भी आपका यूट्यूब का वीडियो का लिंक आए, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब पे ही जाना है। अब यूट्यूब पे जाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अगर आपकी डेटा स्पीड स्लो है तो वो आपका प्रॉब्लम होगा, और डेटा स्पीड स्लो होने की वजह से आपका वो खुलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और इसमें क्या है कि आप सेम जगह रहते हुए अपना वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और रिकु भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल बटन पर क्लिक करने से आपको हमारे जो भी नई नई वीडियो डलती हैं उसका सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आपको उसका मैसेज मिलेगा, और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे और अपने नियर एंड डियर को बता पाएंगे, समझा पाएंगे नई चीज़ों के बारे में। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।